ओम शांति। 20/9/2023 यानी 20 सितंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा बाहर से सेफ रहना। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चों को पुरुषार्थ करके एसी की टिकट लेनी है। एसी का टिकट लेने का अर्थ ये है कि माया की गर्म हवा अथवा माया के बार से सुरक्षित रहना। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं होगा, और इस महाविनाश का पाप किस पर चढ़ता है? तो इसका उत्तर है, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापिस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी होकर के देखते हो। तुम जानते हो कि आत्मा तो सदा अमर है। इस महाविनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता है। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भाभी है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी, यह महफिल है किसकी? एक जान सागर परमपिता परमात्मा की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं, इंद्र सभा कहते हैं। बहुत मनुष्य समझते हैं कि इंद्र पानी की बरसा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं यह एक जान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं जीते जी इनके बन जाने अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीव आत्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद ही नहीं है। इसमें सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबर बार हैं। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी है, नाम तो बहुत हैं। यह भेंट की हुई है, कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? जो समा पर पूरा फिदा हुए होंगे। यह बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय करोड़ों में कोई ही परमपिता परमात्मा को जानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे, जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। यह तो समझाया गया है कि यह है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ, पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर के शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी एक जान मिलता है यह और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। गाया हुआ है कि सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं, सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं, तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है,
पहले थुर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं। बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती, आजकल की सरकार धर्म को नहीं मानती। कहते हैं कि हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है। लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहीं ना कहीं लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरें। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़े ही था, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट यानी सरकार भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी हैं, परंतु इन सब के लिए धड़ी धोरी तो कोई है नहीं, दो टुकड़े हो गए हैं। दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दूसरे को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दूसरे से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़े ही पाप लगेगा। हम साक्षी हो करके देखते हैं, तुम जानते हो कि सब लड़कर ख़त्म ही हो जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। अब तो मच्छरों की तरह मरेंगे तो फिर कौन किसको देखेंगे। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े ही दुख होगा। तुम साक्षी हो करके देखते हो कि इसने जा करके दूसरा शरीर लिया है अपना पार्ट बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम कोई का ज़्यादा, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता। जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है। मात पिता की सर्विस करते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सर्विस नहीं कर सकते, वह तो और ही ज़्यादा सर्विस करेंगे, और ही ज़्यादा माँ बाप का नाम भी बाला करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल समान अचल अडोल बन करके फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा ज़्यादा है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा। भट्टी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली। ICS के इम्तहान में सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है। यहाँ भी ऐसा ही है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। रिजर्व कराया जाता है ना फर्स्ट क्लास AC का टिकट। एयर कंडीशन में AC के डब्बे में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का बार ना लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, फिर 108 हैं। नाम भी है महारथी घोड़े सवार प्यादे।
हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है, पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस ज़्यादा है क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री जो सौदा करती है, वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं। वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं। बच्चा एक होता है, बरसा भी वह पाता है। कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही फिर से चलेगा। वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है कि कैसे राजधानी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। पहले की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार को संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी गद्दी को छोड़ते नहीं हैं। पहले बच्चे मातृ स्नेही होते थे, अब तो मातृद्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़ करके बाहर निकाल देते हैं। इसको कहा जाता है धुंधकारी, मातृद्रोही। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। यह इग्जान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना? तुम नदियाँ तो आपस में मिलती रहती हो। यह तो है इग्जान सागर और नदियों का मेला। यह है जगत अम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियाँ भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं। पहले सागर फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ या बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी हैं। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आ करके भाषण करो, तो जरूर वह तीखे हैं। मम्मा को भाषण करने के लिए कितना बुलाते थे। शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आ करके दो। तुम बच्चियां जा करके इग्जान रत्नों का दान करती हो। इग्जान का एक एक बरसंस लाखों रुपयों का है। इग्जान का एक एक शब्द लाखों रुपयों का है। शास्त्रों में कोई इग्जान के शब्द नहीं हैं। अगर शास्त्रों में इग्जान वाले शब्द होते तो भारत बहुत साहूकार होता, लेकिन अभी तो भारत गरीब है। तुमको तो इग्जान रत्न मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो कि बाबा 21 जन्मों का बरसा देने वाला है, उनको ही सब याद करते हैं और दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा न कोई।
परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, बाप इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं, आसुरी पुरी से फिर दैवीय पुरी बन जाएंगे। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी और फिर देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में, वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है पांच विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी क्योंकि दशहरा आता है, गवर्नमेंट भी मनाती है, रामलीला करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। कई बच्चे कहते हैं कि निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ न कुछ याद करें। बहुत हैं जो सेंटर में जब आते हैं तो याद करते हैं, घर गए तो खलास, क्योंकि याद करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है, लकी सितारे कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में एक ज्ञान की चमक है, आत्मा बिंदी में सारा पार्ट है। बाप कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मुझ बिंदी में यह पार्ट है जो मैं भक्ति मार्ग में बजाता आया हूँ। तुम बच्चों का सबसे ज़्यादा पार्ट है क्योंकि तुम ऑलराउंड चक्र लगाते हो, तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो तुम ही पाते हो। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मेरा पार्ट तुम्हारे जितना नहीं है, मैं तो तुम बच्चों को स्वर्ग का राज्य दे करके वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते हैं ड्रामा अनुसार जिस देवता की पूजा करते हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ, यह ड्रामा में मेरा पार्ट है। वह समझते हैं कि हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। समझते हैं कि गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है, इससे ही सर्वव्यापी का एक ज्ञान उठा लिया है। भक्ति मार्ग में अगर भक्त लोग गणेश की पूजा करते हैं तो परमपिता परमात्मा उनको गणेश के रूप में ही दिखाई देते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त लोग अगर राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो परमपिता परमात्मा उनको राम कृष्ण के रूप में ही दिखाई देते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग के लोग कहते हैं कि परमपिता परमात्मा कण कण में है, परमपिता परमात्मा हर जगह है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परमपिता परमात्मा का भक्ति मार्ग में पार्ट है कि भक्त लोग जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, परमपिता परमात्मा उसको उसी रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमपिता परमात्मा कण कण में है, नहीं। जैसे मान लो कि भक्त लोग गणेश की पूजा करते हैं, अगर परमपिता परमात्मा उनको गणेश के रूप में दिखाई नहीं देंगे तो भक्त लोग भक्ति भी करना बंद कर देंगे, बिल्कुल ही पतित बन जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भक्त लोग जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, परमपिता परमात्मा उनको उसी रूप से साक्षात्कार कराते हैं। तो भक्त लोग अगर गणेश की पूजा करते हैं तो परमपिता परमात्मा उनको गणेश बनकर ही दिखते हैं। अगर भक्ति मार्ग में भक्त लोग रामकृष्ण की पूजा करते हैं
तो परमपिता परमात्मा उनको रामकृष्ण के रूप में ही दिखाई देते हैं। तो भक्त लोग समझते हैं कि परमपिता परमात्मा कण कण में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परमपिता परमात्मा का वहाँ पर पार्ट है, परमपिता परमात्मा का ये पार्ट है कि भक्त लोग जिस भी देवी देवता की पूजा करें, परमपिता परमात्मा उस भक्त को उसी रूप में दिखाई दे। तो परमपिता परमात्मा सिर्फ अपना पार्ट बजाते हैं, ना कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी हैं। और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। तुम सभी ब्राह्मण बच्चे कहते हो कि हम सभी परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, तो भक्ति मार्ग वाले समझ लेते हैं कि परमपिता परमात्मा कण कण में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं, जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है, मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसी का भी कल्याण कर सकता हूँ। परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है, ड्रामा में वह भी नूंद है, ड्रामा अनुसार सबको पार्ट मिला हुआ है, यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पार्ट है, बनाएंगे वही जिन्होंने पहले बनाए थे, जो आज गीता सुनाते हैं फिर कल्पवाद ऐसे ही गीता सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं, जो मुझे जानते हैं मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूँ, बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ करके क्या करेंगे। तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनकी समा के साथ महफिल नहीं कहेंगे, समा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते हैं फिर और तरफ बुद्धियोग चला जाता है, जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है, कर्मातीत अवस्था संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी, फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा, यह पुरानी खाल है, आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। दूसरा है, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान बन बाप का नाम वाला करना है, सर्विस में तत्पर रहना है, सर्विस में हमेशा लगे रहना है। आज का वरदान है, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया, नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा, शरीर को नहीं देखेंगे, भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना, जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो, इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है।
अगर आपको आज की मुरली अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।